चालू कर लिया हूँ भागी लाइन। आज हमने के आज बड़े भाई भी भाकर भैया के पुण्यतिथि बा। ऐसे उनके द्वारा खोलल ये स्टूडियो नीलकंठ स्टूडियो जौन संकट मोचन भगवान के मंदिर के ठीक सामने रोड पर बाटे, एजा हमने के जुटल बानी जा। ये भैया के द्वारा खोलल स्टूडियो बा, उनकर निशानी बा। और बहुत जल्द हमनी के गाना है स्टूडियो से आए वाला बा। और जितना भी भाई लोग रुआ सब देखा तो नहीं जा, रुआ सब से निवेदन बा कि ए स्टूडियो में आई जा, अपन रिकॉर्डिंग करवाई जा। और विभाकर भैया के ऐसन छवि, ऐसन रचना, ऐसन शब्द के धनी जौन कहल जाला कि कवि, हमरा निके लागत कि फिर भोजपुरी जगत में हुई है। तो उनकर निशानी उनका के हमेशा अपना दिल में जिंदा रखे के बा। अरुआ सब स्टूडियो पर आई जा, नीलकंठ स्टूडियो बहुत बढ़िया है जा काम होता। और हमेशा विभाकर भैया के अपना दिल में जिंदा रखे के काम बा। भले हमनी के छोड़ के भैया चल गेलन, लेकिन हमनी के दिल में ये भोजपुरी जगत में भोजपुरी जगत के पूरा कलाकार कभी उनका के भुलाइए ना। तो वह सबसे यह निवेदन बा कि आई जा नीलकंठ स्टूडियो में, और भैया के निशानी के हमेशा जिंदा रखे के काम बा। जय हिंद।